ओके नाउ सेकंड टाइप इज, अभी हमने करा था इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, सॉरी प्लेन, अब कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखो ये क्या होती है, इसमें याद रखने वाली बात है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, दिस इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, इसमें देखो नोट क्या करना है, आर इज दी नॉर्मल टू दी प्लेन, वेक्टर फॉर्म जब भी यूज करेंगे तो नॉर्मल टू दी प्लेन। अगर ये मेरा एक प्लेन है, दिस इज माई बोर्ड, इज माई एक्स वाई प्लेन, जो इसके नॉर्मल आ रही है बाहर, ये वाली नॉर्मल लेनी है, वो भी कैसी, एज अ यूनिट वेक्टर, कैप लगा हुआ है देखो ऊपर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, एंड डी पॉइंट इज दी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम दी ओरिजिन। ठीक है, ये दो पॉइंट्स याद रखने जरूरी है इसमें, स्पेशली ये वाला कि नॉर्मल जो है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, ना कि नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, अगर यही फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म चाहिए होती है आपको, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए, क्या करो, आर की वैल्यूज आएंगी कैसे, कार्टेशियन फॉर्म इज देखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी, दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ प्लेन, वेयर एल कॉमा एम कॉमा एन आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल। अब जो ये एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट्स होंगे, ये क्या बन जाएंगे, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल टू दी प्लेन। ठीक है, ये क्या है, डी आर्स ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन कोफिशिएंट्स सारे। ठीक है, अब अगर इससे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ दिस प्लेन, इज नॉट डी, नॉट पे स्ट्रेस कर रहा हूं बार बार, आंसर इज नॉट डी, ये गलत है। ठीक है, डी नहीं होता, कैसे निकालते हैं उसे, देखो पहली बात क्या करो, इस पूरी कोई अगर हम ये डीसीज भी निकाल लें, डीसीज ऑफ नॉर्मल, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, एल बाय अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडिंग द होल इक्वेशन बाय दिस। ठीक है, एम अपॉन अंडर रूट यही सेम, एंड सिमिलरली एन बाय अंडर रूट द सेम। ठीक है, एंड द डिस्टेंस विल बी, सिंस हमने पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड करा था, डिस्टेंस इज डी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, नॉट डी। ठीक है, यहां पर अगर लिखते हो नॉर्मल फॉर्म के अंदर, तो नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो ये यूनिट वेक्टर है, दिस आर डीसीज ऑफ दी नॉर्मल, हेयर इन दिस कार्टेशियन फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में एल एम एंड एन आर द डी आर्स ऑफ द नॉर्मल, नॉट द डीसीज। ठीक है, यही कंफ्यूजन रहता है आधे ज्यादा स्टूडेंट्स में कि क्या डीसी था क्या डी आर था, ये याद रखना जरूरी है। यहाँ एन कैप था, दैट इज यूनिट वेक्टर, सम और आसान करने के लिए क्या करो, डीसीज को यूनिट वेक्टर ही समझ लो। ठीक है, यूनिट वेक्टर जहां होगा वहां डीसी होगा, जहां नॉर्मल होगा वहां पर डी आर होगा। ठीक है, अब अगर यही काम कर रहे हैं और सच दैट इट हैज अ नॉर्मल एंड इट इज पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म में विल हैव आर माइनस ए, ये तो हो गया वो एक गिवन पॉइंट था जो मुझे, दिस वाज द गिवन पॉइंट, इनटू एन कैप, ठीक है, इनटू एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसमें नोट करा जाए, मैंने अभी गलत लिखा है, दिस इज नॉट कैप, बेसिकली ये नॉर्मल वेक्टर ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो कार्टेशियन फॉर्म यहीं से डिराइव हो जाती है, क्या करो आर को डालो एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए को मैं डाल सकता हूँ ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, एंड एन को डालो एन वन आई कैप प्लस एन टू। ठीक है, तो आर माइनस ए कैप कैसे होगा, एक्स माइनस ए वन आएगा, वाई माइनस ए टू आएगा और जेड माइनस ए थ्री के कैप आएगा, एंड सिंस इट्स अ डॉट प्रोडक्ट तो उनको रेस्पेक्टिवली उनके आई कैप जे कैप और के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एन वन वाई माइनस ए टू टाइम्स एन टू प्लस वाई माइनस ए थ्री टाइम्स एन थ्री इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के किसी भी वेक्टर को उसको नॉर्मल आई जे और के कैप्स के टर्म्स में लिख दो, विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 43, इसमें क्या कहा गया है,
you have to find the equation of the plane which passes through this given point and is normal to the lines joining these two points. ठीक है, point तो मेरे को मिल गया, मुझे normal की equation चाहिए. Normal की equation कैसे आएगी? If I get the vector equation of line AB because this is normal to the plane. ठीक है, AB vector क्या हो जाएगा या BA vector कुछ भी निकालना हो तो अगर मान लो if I take BA vector this will be position vector of A minus position vector of B. position vector of A क्या हो जाएगा? 2i cap minus j cap plus 5k cap minus 3i cap minus plus 4j cap minus k cap. ठीक है, तो नेट आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आई कैप. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस 5j cap और ये हो जाएगा प्लस 6k cap. इसको मैं अपना नॉर्मल का भी लिख सकता हूँ, दिस इज दी नॉर्मल. ठीक है, तो नॉर्मल का आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया और आपको पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वैसे ही पता है. ए पॉइंट क्या है आपका? 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. तो हमने वेक्टर इक्वेशन क्या करी थी? r माइनस a बार डॉट n बार इज इक्वल टू 0. बस पुट कर दो इसको यहाँ पर. सो दिस विल बिकम r माइनस a लिखूंगा तो r माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा n2 डॉट प्रोडक्ट विद n. रादर देन राइटिंग दिस पहले मैं क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ r डॉट n वेक्टर और इज इक्वल टू a डॉट n वेक्टर. ठीक है, ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट लिया इनका, r डॉट n आएगा माइनस a डॉट n आएगा, उधर भेज दिया तो इधर आ जाएगा प्लस. ओके, r डॉट n का ऐसे लिख सकता हूँ x i कैप. देखो अभी अगर मैं इसी में आंसर छोड़ दूँ वेयर आई पुट n की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, a और n की वैल्यू इन वेक्टर फॉर्म, तो ये क्या आएगा? वेक्टर आंसर. अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? आर को डालूंगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू एन का क्या हो जाएगा? कहाँ निकाला था देखो, ये रहा माइनस आई कैप माइनस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप इज इक्वल टू ए का क्या आ जाएगा फिर से? थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस के कैप का डॉट प्रोडक्ट विद दिस थिंग माइनस आई कैप माइनस फाइव जे कैप. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इसको कैलकुलेट करें दिस विल कम आउट टू बी 18. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस 5y माइनस 6k 6z सॉरी k नहीं z एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगी इक्वेशन, कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगी. वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करा? r को डाला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ठीक है, नाउ लेट अस टेक इलस्ट्रेशन 44. उसमें क्या दे रखा है आपको? नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना है? 8. द नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 60 डिग्री विद वाई एक्सिस एंड मेक्स एन एक्यूट एंगल विद द जेड एक्सिस. ठीक है, तो अगर एंगल दे रखा है दैट मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं, दैट मीन्स एल इज कॉस 45, एम इज कॉस 60. कॉस 45 क्या 5 हुआ 1/√2, ये क्या हुआ 1/2 एंड वी ऑल्सो नो दैट एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. दैट इम्प्लाइज अगर n निकालना हो तो मुझे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस l स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सॉरी m स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा. इनकी वैल्यूज डालोगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ. बट गिवन क्या है तुम्हें कि इट मेक्स एन एंगल एक्यूट एंगल विद द z एक्सिस. एक्यूट एंगल है तो दैट मीन्स cos थीटा हैज टू बी ग्रेटर देन 0 एंड cos थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2. बेसिकली ये मतलब हो गया. ठीक है, क्योंकि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इट विल मेक ऑब्ट्यूस एंगल और वो नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव अगर ये होगा तो दैट मीन्स cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 0. ठीक है, तो दैट मीन्स यू विल ओनली हैव टू टेक n इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, तो आपको अब l, m और n की वैल्यूज पता चल गई हैं. आपको एक पॉइंट भी गिवन है. ठीक है, कौन सा पॉइंट है? दिस पॉइंट इज गिवन टू यू ऑन द प्लेन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन अ पॉइंट इज गिवन एंड द नॉर्मल इज गिवन इज r माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर और यू कैन से r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर. अब आपको n वेक्टर चाहिए. n वेक्टर कैसे आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ n इनटू उनके डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लाई कर दो. ये हमने पहले भी करा था. l i कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, दिस इज दी नॉर्मल वेक्टर. सो ये क्या हो जाएगा? 8 इंटू ये सारी वैल्यूज पुट करते जाओ बस, 1/√2 आई कैप
plus j by 2 plus k by 2. So this is your n cap, sorry n cap kya raha, n vector, a vector aur n vector tumhe pata hi hai. A vector kya ho gaya tumhara, root 2 i cap plus, plus ki jagah minus aayega, minus j cap plus k cap. So this is your a vector, this is your n vector, nothing has to be done, inko is cheek mein daal do, you will get the answer. Theek hai? Next, let us take illustration 45. 45 में क्या है कि आपको ये equation दे रखी है and you have to reduce it in normal form. ठीक है, normal form मतलब हमारा vector equation of plane क्या थी, r n cap is equal to d. ठीक है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जो vector है this is n cap or not. ये क्या है, देखो अभी मैं इसको n bar लिख लेता हूँ, तो ये क्या हुआ minus 4 j cap plus 12 k cap. अगर ये मान लो तुम्हारा n cap होता तो इसका magnitude क्या होना चाहिए था, 1. Let's calculate the magnitude of this. ये क्या आएगा, 3 square plus 4 square plus 12 square which is not equal to 1. ठीक है, इसका मतलब जो ये vector है this is not in a unit vector, तो इसको unit vector में convert करना पड़ेगा. वो convert करने के लिए क्या हो जाएगा, इससे divide कर दो. ठीक है, तो basically देखो ये क्या होएगा, 25 plus 144 which is nothing but root 169 जो कि 13 का square होता है. ठीक है, सो आपको अब इसको 13 से डिवाइड करना है टू मेक इट इन अ नॉर्मल फॉर्म. तो ये आएगा 3 बाय 13 आई कैप माइनस 4 बाय 13 जे कैप प्लस 12 बाय 13 के कैप, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिन देन 5 बाय 13. सो नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है,